Hi students, how are you? I hope you are quite fine, very well, और अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो हम लोग आज लेक्चर नंबर थर्ड होगा एसिडिटी का, एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिनॉल एंड स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस को, वो क्या रोल प्ले करता है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था, ऑर्थो इफेक्ट एसिडिटी को पढ़ाता है। और ऑर्थो इफेक्ट में तीन इफेक्ट कंबाइंड, तीन और ज्यादा भी कंबाइंड होते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सर इफेक्ट का एसिडिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, डायपोल मूवमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, बॉन्ड लेंथ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। और साथ साथ फिनॉल के एसिडिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और तुम सब रीम चैनल पे वेलकम है। ये तुम्हें समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। चलो तो देखो, पहले सर इफेक्ट को समझते हैं। सर इफेक्ट का मतलब होता है एस्टेरिक, इसका मतलब होगा एस्टेरिक इनहिबिटेशन, एस्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब जो रेजोनेंस को होने से रोके वो होता है सर इफेक्ट। और वो कौन होगा, बल्क ग्रुप होगा। कहां होगा, टू पोजीशंस एंड सिक्स पोजीशंस, यानी ऑर्थो पोजीशंस पे होगा। जो ऑर्थो पोजीशंस होगा उस पोजीशंस पे कोई बल्क ग्रुप होगा तो रेजोनेंस को होने नहीं देगा, ठीक है। नहीं होगा तो प्लेन को चेंज करेगा, क्योंकि रेजोनेंस होता है एक ही प्लेन पे, को प्लेन होगा तो रेजोनेंस होगा। क्लियर है, एग्जाम्पल देखो, उससे तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगी कि एक कंपाउंड मैंने लिया और ये कंपाउंड मैंने यहां पे लगा दो N, ठीक है, और यहां पे CH3 ग्रुप लगाए थे और ये लॉन्ग पे है, डन। तो ये लॉन्ग पे डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहां मूव करेगा और इससे रेजोनेंस में ये हो जाएगा यहां पे, तो डबल बॉन्ड आएगा नाइट्रोजन में और CH3। तो देखो यहां पे नेगेटिव आएगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो यहां पे आ गया और इस पोजीशन पे आएगा नेगेटिव, ये बॉन्ड है इस तरह से, इसी तरह से रेजोनेंस होगा, मैंने डायरेक्टली लिखा है। तो रेजोनेंस अच्छा खासा हो रहा है क्योंकि कोई बल्क ग्रुप नहीं है तो ठीक है। लेकिन यहां पे कोई बल्क ग्रुप होगा, स्टेरिक क्राउडिंग आएगा तो ये ग्रुप फिर चोक हो जाएगा। देखो ऑर्थो इफेक्ट उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन दोनों का रोल अलग अलग है। तो अब ये रेजोनेंस नहीं होने देगा तो क्या होगा, रेजोनेंस नहीं होने देगा तो अब ये ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था अब करेगा नहीं ना, ये प्लेन अपना चेंज कर देगा, ठीक है, और ये भी तुम चोक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, यूज रिपल्सन होगा इसका। तो इसी चीज को कहते हैं स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस, ये ब्लॉक होगा, ये चोक होगा, यूज रिपल्सन होगा, यहां पे रेजोनेंस हो नहीं पाएगा, जो हो रहा था अब ये नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो, यदि सेम कंपाउंड में लेता हूं और इस कंपाउंड में एन CH3 है, CH3 है और यहां पे मैं ग्रुप ले लेता हूं CH3, ठीक है, ये रहा, ये देखो ले लिया हमने। अब देखो और दूसरा कंपाउंड ले लिया, एक है ये है N CH3 और CH3। अब देखो ये बल्क ग्रुप अटैच है यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे, तो यहां पे सर इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, यहां पे सर इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, समझ में आ रही बात ना, क्लियर है। क्योंकि बल्क ग्रुप है तो यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि इस पोजिशन को ब्लॉक कर देगा, क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, तुम बताओ स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है। अब छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ देखो ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में मैं कार्बन पे यहां पे सी कैटायंस लगा दिया और यहां पे कोई बल्क ग्रुप लगा दिया, ठीक है, ये रहा तुम्हारा बल्क ग्रुप, ठीक है, ये इस कार्बन है। और एक कंपाउंड लेता हूं, ये ग्रुप है यहां पे सी है और यहां के कैटायंस है, ये मिथाइल ग्रुप है। अब तुम ये बता दो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये कंपाउंड या ये कंपाउंड, सोचो जरा,
इसको ए बोल दो, ये बी बोल दो, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सोचो जरा, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? देखो इसमें बल्कि ग्रुप है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी इसी कंपेरिजन में, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा, तो बी इज मोर स्टेबल देन द ए। ठीक है, चलो एक बात जानते हो, जिसमें रेजोनेंस होगा उसमें बॉन्ड लेंथ उसकी छोटी होगी, डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। अब मैं इस दोनों में से पूछूंगा कि डायपोल मोमेंट किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली इसकी ज्यादा होगी क्योंकि पास से डबल बॉन्ड आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, इस कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, जिस कंपाउंड में सर इफेक्ट होगा उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, डायपोल मोमेंट कम हो जाएगी, जिस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आएगी, उस कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है? तो अब इसका क्या कनेक्शन है फिनॉल से? अब देखो हम चलते हैं फिनॉल में, तो ये देखो फिनॉल में क्या होगा, कैसे हम उसकी एसिडिटी को डिटरमाइन करेंगे, हम लोग किस ग्रुप से NO2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, और उसी से क्लियर हो जाएगा क्योंकि सबका एक ही तरह का ऑलमोस्ट है प्रोसेस। देखो ये फिनॉल है, ठीक है, अब यहाँ पे फिनॉल में OH लगा दिया और यहाँ पे NO2 लगा दिया, और एक ग्रुप ये यहाँ पे है, ये OH है और एक यहाँ पे NO2 लगा दिया। ठीक है, और एक ग्रुप ले लो, ये कंपाउंड है और यहाँ पे OH है और तो एक बेटा पे लगा दो, और एक और ले लो, ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप है और यहाँ पे NO2 और NO2 लगा दो, और ले लो एक ग्रुप, यहाँ पे ये कंपाउंड है OH है, पिक्रिक एसिड में बना रहा हूं NO2 और यहाँ पे NO2 है, एक और ले लो, ये कंपाउंड ले लो, चलो चलो पहले इतना करो फिर आगे चलते हैं। देखो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही होगा क्योंकि पिक्रिक एसिड है, दो दो तीन तीन NO2 ग्रुप है, -R -I है ना, -R -I तो काफी ज्यादा ऑब्वियसली एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद कौन सा कंपाउंड होगा, इस कंपाउंड का सबसे ज्यादा होगा सेकेंड नंबर, क्योंकि दो NO2 ग्रुप है, -R -I ज्यादा शो करेगा। ठीक है, अब मेन चीज देखो इसमें है, अब देखो इस कंपाउंड की ज्यादा हो जाएगी इससे, अब यहां पे क्या लॉजिक है सुनो, यहां पे इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बट ये इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिड वाले से अलग है। कैसे अलग है ये देखो, इसमें ये एच ग्रुप फ्री नहीं है, कैसे फ्री नहीं है, एसिड वाले में एच ग्रुप फ्री था, इसमें ये फ्री नहीं है। देखो क्या होगा, मैं इसको बनाता हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो यहां पे N है और ये O है, ये O, देखो अब ये H फ्री नहीं है ना, जब फ्री ही नहीं है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगा उसका, हाउ फास्ट H इज रिलीज्ड वो एसिडिटी होता है ना, तो ये H फास्ट रिलीज नहीं होगा, तो इस कंपाउंड का एसिडिटी ज्यादा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ये रेजोनेंस -R -I दोनों शो कर रहा है और ये H ग्रुप फ्री है, सरकारी बात, ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है और ये एसिड वाले से अलग है। ठीक है ना, तो इसमें H फ्री नहीं है, इसमें H फ्री है, तो ये जल्दी H को रिलीज कर देगा, इस कंपाउंड की एसिडिटी बढ़ जाएगी इससे। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। और यहां पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट होता है, रेजोनेंस तो होगा नहीं, सबसे पहले मोस्ट एसिडिक, देन दिस हियर एंड देन दैट, तो इस तरह से एसिडिटी कंपाउंड्स की बढ़ेगी। ठीक है, सबसे ज्यादा इस कंपाउंड की, फिर इसकी और फिर इसकी। अब आप एक चीज देखो, सर इफेक्ट का क्या रोल है, यहां पे दूसरा कंपाउंड बनाता हूं तब देखना सर इफेक्ट क्या एसिडिटी को कैसे करते हैं। अच्छा क्वेश्चन सर, ये देखो अब यहां पे मैं एक चीज दिखाता हूं कि सर इफेक्ट का क्या रोल है और सर इफेक्ट एसिडिटी को कैसे इनहिबिटेड करता है। तो ये देखो मैं एक कंपाउंड लेता हूं जो यहां पे OH ग्रुप है, ठीक है, और यहां पे मैं लगा दिया NO2 और NO2, एक ग्रुप ले लिया मैंने, यहां पे OH NO2 NO2
बॉन्ड ये ले लिया OH, तो यहां पे CH3 NO2 और एक कंपाउंड ने यहां पे ले लिया ये ग्रुप है OH और क्या हो गया यहां पे CH3 यहां पे CH3 और NO2। अब सोचो जरा अरे इस कंपाउंड को देखो देखो ये तीनों NO2 सेम प्लेन में है ठीक है। तो ये जो कंपाउंड पहले यदि ये नहीं रहता तो ये किस तरह से करता -R-I की तरह यदि ये नहीं रहता तो। लेकिन इसके कारण बल्कि ग्रुप के कारण इसके रिस्पेक्ट में बल्कि ग्रुप है इधर मतलब ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप है तो अब ये NO2 को रेजोनेंस होने नहीं देगा क्यों क्योंकि सर इफेक्ट इसमें अप्लाई हो गया ठीक है। अब तुम ये मत सोचो कि देखो जब ये ग्रुप -R होगा ही नहीं सिर्फ -I होगा इसमें देखो ये दोनों तो सेम प्लेन में है लेकिन ये लीनियर है सी ट्रिपल बॉन्ड NO3 है तो ये कंपाउंड लीनियर तीनों सेम प्लेन में नहीं है ये दोनों सेम प्लेन में लेकिन ये लीनियर है यानी इस कंपाउंड में सर इफेक्ट नहीं होगा यानी इस कंपाउंड में -R-I होगा यानी ये एच बहुत जल्दी निकल जाएगा तो इसलिए इसमें सर इफेक्ट होने के कारण रेजोनेंस नहीं होता है इसमें सर इफेक्ट नहीं है क्योंकि तीनों सेम प्लेन नहीं है तो इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। यहां भी सेम चीज आओ देखो अब इसके रिस्पेक्ट में आप तो सोचोगे सर यहां तो ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है यहां तो सर इफेक्ट हो रहा है सबसे पावरफुल ग्रुप कौन सा है वो नहीं इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में देखोगे ना कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं -I इफेक्ट हो रहा है कि नहीं तो यहां पर NO2 ग्रुप है ये पुल करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये एच निकलेगा तो इसके आस पास कोई सर इफेक्ट नहीं हो रहा है यानी ये धरले से रेजोनेंस को इनहेंस करता है लेकिन यहां पे देखो बल्कि ग्रुप है तो इसके रिस्पेक्ट में तो इसीलिए इस कंपाउंड पे सर इफेक्ट अप्लाई हो जाता है और यहां पे कोई सर इफेक्ट नहीं है यानी इसमें -R और -I बिल्कुल अच्छे से होगा इस कंपाउंड की एसिडिटी बढ़ जाएगी क्योंकि सर इफेक्ट नहीं है इसमें सर इफेक्ट है इसलिए रेजोनेंस नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट होगा। तो आई होप तुम्हें फिनॉल के कैरेक्टर समझ में आ गया कि फिनॉल का और सिर्फ वो सेम CH3 ग्रुप लगाएगा तो सेम चीज होगा जो हमने एसिड में पढ़ा ठीक है। बट उसमें फर्क यह है कि एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो इफेक्ट हो जाता है इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है इसमें सिंपली हाइपर कंजुगेशन राइट एक्टिंग होगा बट रेस्ट सेम चीज है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया सब्सक्राइब कर दो और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर है सल्फोनिक एसिड का ठीक है और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फोनिक एसिड उसमें बताऊंगा कि क्यों ऐसा है और बहुत इंटरेस्टिंग है कार्बोनिक एसिड भी पढ़ेंगे उसमें ठीक है। थैंक यू हैव अ नाइस डे।